जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2022 की मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे सुरेश रैना को फरवरी के महीने में दो बड़े झटके यानी कि दो बड़ी बेहद ही दुखद खबर मिली थी। पहला तो आप सभी जानते हैं कि उनको किसी ने भी नहीं खरीदा था, वो अनसोल्ड रहे थे आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में। 10 फ्रेंचाइजीज होने के बावजूद भी चेन्नई सुपर किंग्स ने बल्कि उन्हें यहाँ तक दाव पर नहीं लगाया और उनको ये कह दिया कि वो अभी हमारी टीम में फिट नहीं बैठते। मतलब जिस खिलाड़ी ने शुरुआत से लेकर अंत तक चेन्नई का साथ दिया, अचानक से ये कह देना। इससे बड़ी बुरी खबर दोस्तों सुरेश रैना को 6 फरवरी को मिली थी। 12-13 को दोस्तों ऑक्शन हुआ था और 6 फरवरी को यानी कि उससे 6-7 दिन पहले ही उनको पता चला था, उनको एक ऐसी दुखद खबर मिली जिससे शायद वो पूरी तरीके से टूट गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, उनके पिता का निधन हो गया था। उनके पिता का नाम त्रिलोक चंद्र रैना था। 6 फरवरी को लंबी बीमारी के बाद उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह दिया था। त्रिलोक चंद सेना में रहे, वे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैनात रहे और बम बनाने में मास्टर थे। उन्होंने अंतिम सांस गाजियाबाद में ली। एक सूत्र ने पीटीआई भाषा को बताया कि वे पिछले 1 साल से कैंसर से जूझ रहे थे। हरभजन सिंह सहित रैना के साथी खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर उनके लिए शोक व्यक्त किया। हरभजन ने यह भी लिखा था कि सुरेश रैना के पिता के बारे में दुख हुआ, आपकी आत्मा को शांति मिले अंकल जी। रैना ने भारत के लिए 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 T20 मुकाबले खेले हैं। आप सभी को बता दें, सुरेश रैना मूल रूप से जम्मू कश्मीर के रैनावाड़ी गांव के रहने वाले हैं। 1990 में कश्मीरी पंडितों की हत्याओं के बाद उनके परिवार ने कश्मीर छोड़ दिया था। वे यूपी के मुरादनगर आकर बस गए थे। तब त्रिलोक चंद्र रैना की तनख्वाह 10,000 रुपये महीना थी। इसके चलते वे सुरेश रैना की क्रिकेट कोचिंग फीस तक नहीं भर पाते थे। ऐसे में 1998 में सुरेश रैना का एडमिशन लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में कराया गया। रैना ने बताया कि वह हमेशा ध्यान रखते थे कि कश्मीर में उनके पिता के साथ जो दुखद घटनाएं हुई उनके बारे में किसी को पता ना चले। तो सुरेश रैना के पिता के निधन की खबर, उसके बाद आईपीएल में ना बिकना, ये सबसे बड़े मतलब झटके थे सुरेश रैना के करियर के। हर किसी करियर में उतार चढ़ाव आता है। सुरेश रैना ने अपने मन से ही दोस्तों इंटरनेशनल करियर संन्यास लिया, लेकिन ये सबसे दुखद रहा सुरेश रैना के लिए जो फरवरी का महीना गया। 12-13 ऑक्शन की तारीख में दोस्तों उनका अनसोल्ड रहना, 6 तारीख को उनका पिता का अलविदा कह देना। लेकिन अब थोड़ी खुशखबरी मिली है कि शायद गुजरात टाइटंस की टीम उन्हें खरीद सकती है, जैसन लोई की जगह पर उनके बेस प्राइस पर टीम में शामिल कर सकती है। अब देखते हैं दोस्तों, इतने सब उतार चढ़ाव के बावजूद क्या सुरेश रैना को थोड़े सी खुशियों के पल मिलेंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स